अगर किसी जहाज के डूबने से जुड़ी कहानियां सबसे ज्यादा आपने सुनी होंगी तो वह टाइटैनिक होगा। टाइटैनिक जहाज इतना मशहूर है कि उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। टाइटैनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपनी पहली यात्रा के दौरान ही 1912 में डूब गया था। समुद्र की गहराइयों में 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा आज भी 2 टुकड़ों में मौजूद है। ये मलबा धीरे धीरे सड़ रहा है। लगभग 26 साल पहले मिले एक सोनार ब्लिप से अब खुलासा हुआ है कि टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में अकेला नहीं है। पीएच नारगोलेट एक सबमर्सिबल पायलट और गोताखोर हैं। नारगोलेट ने मूल रूप से 1996 में इको साउंडिंग ने उपकरण यानी सोनार के जरिए टाइटैनिक के पास रडार पर रहस्यमय चीज देखी थी। ये क्या है इसके बारे में पता नहीं चल सका था। इस साल की शुरुआत में नारगोलेट और 4 अन्य शोधकर्ताओं ने रहस्यमय वस्तु की खोज से जुड़ा अभियान चलाया। नारगोलेट का मानना था कि रडार पर दिखा ब्लिप किसी अन्य जहाज या टाइटैनिक से ही जुड़ा मलबा हो सकता है। क्या मिला समुद्र की गहराई में जब ब्लिप की जगह पर खोज की गई तो वहां एक चट्टान मिली। ये चट्टान विभिन्न ज्वालामुखी संरचनाओं से बनी थी। इस जगह पर झींगा मछलियां, स्पंज और प्रवाल की हजारों प्रजातियां होने की संभावना है। स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में समुद्री जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के प्रोफेसर मुरे रॉबर्ट्स ने कहा, यह जैविक रूप से आकर्षक है। इस चट्टान के करीब रहने वाले जीव उन जीवों से बहुत अलग हैं, जो रसातल महासागर में रहते हैं। रॉबर्ट्स के मुताबिक रसातल महासागर एक ऐसी जगह को कहा जाता है जो पानी के 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में हो। पृथ्वी का लगभग 60% हिस्सा ऐसा है। शोधकर्ता मान रहे कि यह एक बड़ी खोज है। रॉबर्ट्स ने आगे कहा, नारगोलेट ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। उन्हें लगा था कि ये एक जहाज का मलबा होगा, लेकिन मेरे मुताबिक ये उससे भी बेहतरीन है। समुद्र वैज्ञानिकों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। पत्थर का पता चलने पर भी माना जा रहा था कि ये जगह एकदम सपाट और कीचड़युक्त होगी, लेकिन जब हाल ही में गोताखोर इस जगह पर गए तो उन्होंने पाया कि इस पर चट्टानी संरचना भी है। शोधकर्ता गोते के दौरान चट्टान के करीब लिए गए तस्वीरों और वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज समुद्र के जीवन को लेकर उनकी समझ बेहतर करेगी।